लेकिन क्या करूं, लगता है मुझे अपने नियम और कायदे बदलने पड़ेंगे। बूढ़ा, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अपने उसूल इंसान को कभी नहीं बदलने चाहिए। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। बसंत, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं बाबा, जाओ जाकर कोई दूसरी नाव पर बैठ जाओ। लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम्हारी ही नाव पर बैठना है, पर मेरे पास पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए। अगर तुम मुझे वहां तक छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मेरी पत्नी वहां पर इंतजार कर रही है। बूढ़े की बात सुनकर बसंत को उसके ऊपर तरस आ गया था। बसंत, ठीक है बाबा, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। आइए बैठिए, जहां आपको जाना है मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। बसंत की बात सुनकर वह बूढ़ा रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए बसंत की नाव में बैठ गया। बसंत की नाव नदी के बीच में पहुंची ही थी कि तभी वो बूढ़ा बसंत से बोला, बूढ़ा, बस मुझे यहीं तक छोड़ दो। बाबा, पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर तो सिवाय पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। बूढ़ा, जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आएगा बेटा। तुम नाव यहीं रोक दो, मैं यहीं उतर जाऊंगा। बसंत, बाबा तुम डूब जाओगे, पानी बहुत गहरा है। मगर बूढ़े ने बसंत की बात नहीं सुनी और नदी में कूद गया। यह देखकर बसंत बुरी तरीके से घबरा गया और बदबदाता हुआ बोला, बसंत, अरे कहां फंस गया मैं? अगर ये बूढ़ा मर गया तो उसकी मौत का इल्जाम भी मेरे ऊपर लगेगा। सभी लोगों ने इस बूढ़े को मेरी नाव में सवार होते हुए देखा है। अब क्या करूं, लगता है मुझे भी नदी में कूदना ही पड़ेगा। इतना कहकर बसंत ने नदी में छलांग लगा दी। मगर उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई, उसने अपने आप को एक बेहद सुंदर जंगल के बीच बहुत छोटे से तालाब में खड्डा हुआ पाया। बसंत तुरंत उस तालाब से निकलकर उस जंगल की ओर देखने लगा। तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई, पेड़। बेटा, मेरी साख थोड़ी सी झुक रही है, इसे थोड़ा सा सीधा कर दो, मुझे दर्द हो रहा है। बसंत ने देखा कि वो जिस पैदच के नीचे खड़ा था बसंत से वही पैद बोला था। बसंत डर गया। पेड़, डरो मत, अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हें आगे का रास्ता बता दूंगा। बसंत ने डरते डरते उस पेड़ की शाखा ऊंची कर दी। तभी अचानक बसंत के सामने एक बेहद सुंदर की सड़ढक बन गई। पेड़, घबराओ नहीं, तुमने मेरी मदद की है, इस वजह से ही तुम्हारे लिए इस सड़ढक मैंने बना दी है। तुम यहां से सीधे राजमहल तक पहुंच जाओगे। बसंत, लेकिन ये कौन सी जगह है भाई? पेड़, कुछ देर बाद तुम्हें पता लग जाएगा। तुम जिस रास्ते से यहां पर आए हो वो रास्ता सिर्फ शाही लोगों के लिए खुलता है। तुम जरूर कोई खास हो। कुछ दूर चलकर बसंत की नजर एक पेड़ पर गई जहां पर लाल लाल सेब लटक रहे थे। अचानक एक सेब बसंत की ओर देख कर बोला, सेब, देख क्या रहे हो? अगर तुम्हें भूख लगी है तो मुझे खा लो। बसंत, मन में, अरे वाह, ये मैं कहां आ गया? वो बूढ़ा जरूर कोई मायावी व्यक्ति था। बसंत, नहीं नहीं, मैं जहां पर रहता हूं वहां पर बोलने वाले फल नहीं होते, अगर वो बोलते तो हम बिल्कुल नहीं खाते। सेब, तुम वाकई बहुत दयालु लगते हो। तुम्हारा इस जादुई नगरी में स्वागत है। इस सोने की सड़क पर सीधे चले जाओ, कुछ ही देर में तुम महल तक पहुंच जाओगे। कुछ ही देर में बसंत एक आलीशान महल के सामने पहुंच गया। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। बसंत ने देखा तो सामने वही बूढ़ा खड्डे था उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। बसंत, कौन हो तुम और ये कौन सी जगह है? अचानक वह बूढ़ा एक बेहद सुंदर राजकुमार में तब्दील हो गया। राजकुमार, ये सारा का सारा राज्य मेरा है, तुम पृथ्वी पर नहीं बल्कि दूसरी एक जादुई दुनिया में हो। बसंत, दूसरी दुनिया में मैं कुछ समझा नहीं। राजकुमार, दरअसल नदियापुर गांव की नदी के बीच एक दूसरी जादुई दुनिया का द्वार खुलता है, यह एक जादू की दुनिया है। बसंत, तुम्हारा महल तो बिल्कुल सोने का मालूम होता है, यहाँ के दरवाजे, यहां तक कि सैनिक भी सोने के ही मालूम होते हैं। राजकुमार, सोने के मालूम नहीं होते, ये सोने के ही हैं। मैं तुम्हें बहुत दिनों से नाव में बैठा हुआ उदास देख रहा था,
मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे स्वभाव के हो और तुम्हारी दुनिया में अच्छे व्यक्तियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता, जबकि हमारी दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए मुझे लगा तुम्हारी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वो राजकुमार बसंत को महल के अंदर की ओर ले गया, जहां पर सोने के सिक्कों के ढेर लगे हुए थे। ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं, तुम्हारी जितनी मर्जी हो यहां से ले जा सकते हो और तुम जब चाहो यहां पर आ सकते हो, मगर याद रखना तुम्हें इस बात को हमेशा रहस्य ही रखना होगा। यहां तक कि तुम्हें अपनी पत्नी और मां को भी इस बारे में कभी नहीं बताना। जिस दिन तुम इस राज को छुपाने में नाकामयाब हो जाओगे, तुम्हारे लिए इस दुनिया के द्वार बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये यहां का नियम है। बसंत ने एक थैली में सैकड़ों सिक्के भर लिए।